दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इंदौर रोड पर डेडिया मीडिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में बरसों वर्ष से निवास करने वाले आम नागरिक परेशान। राज्य सरकार केंद्र सरकार की शासकीय योजनाओं का नहीं मिल पा रहा लाभ। इन आम नागरिकों को ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में उनके मोहल्ले आवास को न होने की वजह से शासकीय काम पूर्ण नहीं हो पा रहे। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में न हो पाने की वजह से, जबकि आम नागरिक स्थानीय रहवासी हर चुनाव में, चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो या फिर जिला पंचायत, जनपद सदस्य या फिर विधानसभा लोकसभा में मतदान करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार पदाधिकारी पहुंचते हैं और कहते हैं कि आबादी क्षेत्र में आपके मोहल्ले घरों को करवा दिया जाएगा, पर चुनाव समय वक्त निकल जाने के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सब भूल जाते हैं और आम नागरिक परेशान होते रहते हैं इंदौर रोड पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस ग्राम पंचायत में। आप यहाँ डेंगिया से आए सर, और हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम 50 साल से निवास कर रहे हैं और पट्टा नहीं मिल चुका, और जबकि तब से हम आवेदन दिया है फिर भी कोई सुनवाई नहीं आ रही है कि कटा फील्ड में है जगह, तो उसको आप आरसी में घोषणा के लिए हम यहाँ पर आए हैं आवेदन के लिए सर। हर चुनाव में आप वोट डालते हैं, मतदान करते हैं आप? जी सर, देते हैं ना वोट। अच्छा, फिर भी आप आबादी क्षेत्र में नहीं है ना? नहीं है सर। सारे लोग परेशान हो रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं सर। मतलब हमारे क्षेत्र में सर ऐसा है, डेंडिया मीडिया और मीडिया काकट तीन जगह हैं, तीन जगह में हम निवास करते हैं। तीनों ही जगह में मतलब अभी तक कोई वो आवेदी इसका पट्टा सुविधा नहीं मिला है। आसपास गांव भी बिक चुका, कॉलोनियाँ बिक गई है, कॉलोनियाँ कट रही आदि के चल के, मतलब ऐसा हो सकता है कि अतिक्रमण में वो तो जैसे चौकी झोपड़ी में, चूँकि झोपड़ी में चौकी सिस्टम जैसे हुआ था, चौकी पे कटा था सबके प्लाट, पट्टा होने के बावजूद भी उनको जगह नहीं दी गई है सर। अभी वो लोग ऐसा निवास कर रहे हैं कि देखा नहीं जाता उनसे, तो वही आगे चल के हमारे साथ भी हो सकता है सर। इसीलिए हम लोग आज यहाँ सब एकत्र हुए हैं, सरपंच और सबकी मदद के साथ हम यहाँ आए हैं, और हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से निवेदन चाहते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करें।